वेलकम बैक टू फूड मूड ओरिजिनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और बहुत अमेजिंग थाई रेसिपी, सुपर डिलिशियस एंड सुपर डुपर इजी, थाई चिकन कैश्यू करी। इट्स अ वेरी क्विक फैंसी डिनर रेसिपी एंड आई एम श्योर इस फैंसी रेसिपी के सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपकी पैंट्री में ऑलरेडी होंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सबसे पहले हम बना लेंगे स्टर फ्राई सॉस। एक एम्प्टी बॉल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, आपके पास ना हो आप रेगुलर वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। इसका हम विस्क करेंगे एंड आवर स्टर फ्राई सॉस इज रेडी। कीप इट असाइड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है चिकन। मैं यूज कर रही हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब्स और इस पे आधा टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या फॉर माय ब्रिटिश फ्रेंड्स इट्स कॉर्न फ्लावर, एक ही चीज़ है, एक ही नाम है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं एंड इट्स रेडी टू फ्राई। तो स्टोव को कर लेते हैं ऑन। हमें चाहिए कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए। मैं तकरीबन 1/2 कप इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। चिकन क्यूब्स पैन में डालने से पहले आप स्लाइटली शेक ऑफ कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा इनके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है वो झड़ जाए। हमने चिकन क्यूब्स को गुड 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। मेक श्योर आप इनको ओवर फ्राई ना करें। जैसे ये स्लाइटली गोल्डन इनका कलर होता है हम इसको रिमूव कर लेंगे। और हीट जो है वो हमारी मीडियम है और हम इसकी साइज को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहेंगे, फ्लिप करते रहेंगे और लाइट सा कलर चेंज होने पर इसको रिमूव कर लेंगे। इसको करते हैं साइड पे। ओके, सो इसी सेम पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है, बाकी निकाल लिया है, और इसमें हम डालेंगे रफली चॉप लहसुन 1 टेबलस्पून और इसको हम सॉटे करेंगे, और इसमें डालेंगे 1 स्मॉल साइज का प्याज रफली स्लाइस्ड, और इसको फुल हीट पे हम स्टर फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। प्याज को हमने सॉफ्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा क्रिस्प रहने देना है, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें रेसिपी का की इंग्रेडिएंट काजू 1/2 कप, और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि काजू पे बहुत नाइस गोल्डन कलर ना आ जाए। देखें काजू बहुत नाइसली रोस्ट होना शुरू हो गए हैं। बस इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे साबुत ड्राई लाल मिर्चें। आप इनको काट कर बाइट साइज पीसेस में ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये ना हो तो आप छोटी साबुत जो गोल लाल मिर्चें हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। सर इन मिर्चों में हीट बिल्कुल नहीं होती, ये इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन इनमें बहुत फ्लेवर होता है। सो आई कंसिडर देम अ परफेक्ट इन्ग्रीडियंट फॉर सच फ्यूजन रेसिपीज। तो आपने भी इसको स्किप नहीं करना। और साथ हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च यानी बेल पेपर क्यूब्स 1 कप। आप एक कलर की या डिफरेंट कलर्स की यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर रेसिपी मोर कलरफुल। साथ इसमें जाएगा फ्राइड चिकन और स्टर फ्राई सॉस। सो गिव एवरीथिंग अ गुड टॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और हम इसको कुक करेंगे कुछ मिनट के लिए जब तक कि हमारी सॉस है वो नाइसली थिक ना हो जाए। सो बस 3-4 मिनट में हमारी सॉस जो है बहुत अच्छी सी थिक होना शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम अपना फ्रेश फाइनल इंग्रेडिएंट। मैंने लिए हैं फ्रेशली स्लाइस स्प्रिंग अनियंस यानी हरा प्याज, और उसका भी हमने जस्ट ग्रीन पार्ट इसमें ऐड करना है। इसको नाइसली मिक्स किया और हमारी थाई चिकन कैश्यू करी इज परफेक्टली रेडी टू सर्व। तो आप इसको प्लेन वाइट राइस के साथ सर्व करें या ब्राउन राइस के साथ, आइदर वे इट टेस्ट ग्रेट। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी का मुझे फीडबैक दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेक श्योर आपका जो नोटिफिकेशन बटन है बेल आइकन वो ऑन हो। एंड विद अनदर अमेजिंग रेसिपी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।